जहां देवरिया दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले को 689 करोड़ की लागत से 673 परियोजनाओं की सौगात दी। नारी शक्ति वंदन समारोह का आयोजन जिला मुख्यालय के चीनी मिल ग्राउंड में किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को सम्मानित किया। उसके बाद सीएम योगी ने देवरिया में 6 अरब से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी। इन सौगातों में 397 परियोजनाओं का शिलान्यास और 276 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मेडिकल कॉलेज में 16.63 करोड़ की लागत से बनने वाले 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास किया। इसके अलावा 10 करोड़ से कम की 275 की अन्य परियोजनाओं का भी सीएम योगी ने लोकार्पण किया। इसमें जिला कारागार में एकल कक्षों का बाउंड्री वॉल, कस्तूरबा विद्यालय, पथरदेवा का छात्रावास, बरियापुर थाने का प्रशासनिक भवन, लार में हॉस्टल, भलुवनी में और महिला थाने में हॉस्टल बैरक जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। यह हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, कभी देश के अंदर चीनी के कटोरे के रूप में विख्यात देवरिया और कुशीनगर जिला समय के अनुरूप सरकारों की उपेक्षा के कारण पिछड़ते गए, नेतागिरी आदि होती गई, विकास से कोसों दूर होते गए। परिणाम क्या था? परिणाम था यहां गरीबी छाती गई, चीनी मिले बंद होती गई। पिछली सरकार ने औने पौने दाम पर इन चीनी मिलों को बेचने का काम किया। लेकिन बहन और भाइयों, हम कहने के लिए आए हैं, हमने पिपराइच और मुंडेरवा की चीनी मिल चला दी है, अब देवरिया के अंदर चीनी मिल चलाने के साथ साथ एक कृषि विश्वविद्यालय हमने कुशीनगर में दे दिया है, उसका एक कॉलेज भी हम लोग देवरिया के लिए स्थापित करने जा रहे हैं। अब देवरिया पिछड़ा नहीं रहेगा, प्रकृति और परमात्मा की, ऋषि मुनियों की, संतों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की साधना से, उनके परिश्रम और पुरुषार्थ से, उनके शौर्य और पराक्रम से जिस जिले ने देश के लिए अपना जीवन जिया हो, वह जनपद अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि वह जनपद अपने पौरुष और अपने पराक्रम से ये सारी चीजें लेकर के आएगा। और आपका यह पौरुष और पराक्रम अब आपके वोट में दिखता है।